सी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए उनके लिए एक व्यवस्थित अस्पताल, उनके बच्चों के लिए आवासीय स्कूल तथा महिला सदस्यों के लिए सेवा प्रदाता संस्था भी आर्थिक सेवा साधना के नवीन आयामों को जन्म देने की चतुर्थ लेगा। पीएचडी उपाधि प्राप्त करता कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार के बल पर मैं आपको उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं संबंधित उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूँ, कृपया जोर से तालियां बजाइए ताकि प्राप्तकर्ता का उदार उत्साह वर्धन हो। महोदय हीरा तमकीन को बीएड की सर्वश्रेष्ठ महिला विद्यार्थी हेतु बाबू ओम प्रकाश गुप्ता श्रीमती पदक प्रदान करने के लिए भी प्रस्तुत करता हूँ। आपको भी 200 पदक प्रदान किए गए हैं, कृपया जोरदार चतुर्दश दीक्षांत समारोह है। अनुरोध है, मेरे माननीय श्री आशीष गौतम जी को डॉक्टर ऑफ क्लास की मानद उपाधि प्रदान करते हैं। मैम, यस, थैंक यू। मैं अभ्यर्थियों को प्रस्तुत होने का निर्देश देता हूँ। मानविकी विद्या शाखा के श्रीमान, मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार में 2, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 1 तथा ले ली गई है और एक उपाधि है उपयुक्त पाए गए हैं। मैं इनको उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। कुलपति के रूप में निहित अधिकार के बल पर मैं आपको उपाधि प्रदान करता हूँ एवं आपके जीवन भर समाज विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक से अनुरोध है। पंडाल में बैठे हुए समस्त प्रतिभागियों अतिथियों से अनुरोध है, यह खुशी का अवसर है। निदेशक से अनुरोध करता हूँ कि वे पीएचडी के उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। बेटा जगह पर ये साहब
कृपया तालियां बजाते रहिए। सर्वश्रेष्ठ महिला स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु स्वर्गीय अनिल मीना चक्रवर्ती स्मृति स्वर्ण पदक के लिए भी प्रस्तुत करता हूँ। शारदा वर्मा जी को 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। कृपया तालियां बजाइए। सामने इधर देखो बेटा, इधर सामने खड़े हो जाओ। कुलपति जी आप सामने, कुलपति जी सामने देख। स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। सर सामने देखिए, और पास सब भैया आप भी सामने देखिए। सर 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 महोदय पर्यावरण एवं शांत गांधी शांति अध्ययन स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आप भी देखे सर। यस मैम। प्रोफेसर एंकी दुबे दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। सामने देखिए आप। महोदया परास्नातक हिंदी में उत्कृष्ट सामने सामने भारत माता की अच्छी प्रकार याद होगा उनको। एलएलबी किया है, एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन डिग्री आज भी इसी इलाके। अभिनव प्रयोग है, बच्चों के प्रति प्यार देखकर बहुत ही परिवार महाविश्वविद्यालय परिवार बहुत ही आह्लादित है। बच्चे इस तालियों की गड़गड़ाहट से प्रेरणा लें कि एक दिन हमें भी तालियां बजाने का अवसर मिलेगा। लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। कुलाधिपति महोदया, निश्चित रूप से ये बच्चे अपने कला में और अधिक दक्ष होंगे। इस आशा के साथ, इस उत्साह के साथ, इस देखिए सर आगे इसे पहले वाला इधर बड़ा दबंग ही था वो।
बहुत अच्छा भी देखियो। अरे क्या है यार, चुप रहो ना। मैडम पर मैं आपको उपाधि प्रदान करता हूँ एवं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूँ। सभी अभ्यर्थी खड़े हो जाएं। मास्टर ऑफ साइंस के 424, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंस के 322, मास्टर ऑफ कॉमर्स के 489, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 8, मास्टर आदर्श टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको कुल सचिव से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक के समक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार के 67, वित्तीय प्रबंधन के 11, अनुवाद के 37, PG/PD के स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत करता हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूँ। निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करता हूँ और आपको जीवन भर से अनुरोध है कि वे स्नातक उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी बैचलर ऑफ एजुकेशन के 523, बैचलर इन टूरिज्म के 5 भरता हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें संबंधित इतना कमाता है फिर भी मांग की, मैं तो गरीब हूँ तो इसे मांगने में क्या दिक्कत है। तो एग्जाम्पल जो समाज में देना है वो एग्जाम्पल पढ़े लिखे लोगों को भी देना पड़ेगा और हमारी ओर से ही होना चाहिए मित्रों। और इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि आप एग्जाम्पल बनिए मित्र, अपने समाज में भी एग्जाम्पल बनिए। और आज जब एक गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हो, ये सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं है मित्रों, ये आपको सदा याद कराएगा कि ये गोल्ड मेडल आपको ये कहता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया है लेकिन किसी और के पास से गोल्ड मत मांगना, ये आपको बताएगा। घर में रखिए उसको, देखिए वो ही आपको सूचित करेगा भाई ये मिल गया है गोल्ड आपको, उसके सहारे आगे बढ़िए और अपनी होने वाली बीबी को अच्छी तरह से घर में लाकर उसको सेवा शुश्रूषा करिए। बेटियों को भी मैं यही कहती हूँ वो गोल्ड मांगता है, बड़ा बंगला की मांग करता है, कोई गाड़ी की मांग करता है, तो आप बोल दो ने कि घर पर जाओ मुझे आपके साथ विवाह नहीं करना है,
मैं गोल्ड लेकर आऊँ, मैं गाड़ी लेकर आऊँ, मैं पैसे लेकर आऊँ, तब जो तेरा संसार चलने वाला है, तो इसके सबसे अच्छा ये है कि आप अपना संसार अलग करो, मैं तो अलग से रहूंगी या तो अपने ढंग से पात्र पसंद करके मैं मैरिज करूंगी। ये हिम्मत शिक्षा से मिलनी चाहिए, शिक्षा से मिलनी चाहिए। और इसी वजह से कहती हूँ कि ऐसे समाज में कई महिलाओं ने मैंने देखा है जो मंडप में से उठकर कहा है माता पिता को कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं और विवाह करूंगी लेकिन इसके साथ नहीं करूंगी। ऐसी महिलाओं का, ऐसी बेटियों का सम्मान होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी का सम्मान होना चाहिए। तो वही चार और बेटियां उसको देखेंगी तो वो इसमें से हिम्मत लेगी, ताकत उसको इसमें से मिलेगी। गर्भ हत्या क्या है भाई? दो बेटियां हैं, एक बेटी है, गर्भ हत्या कर दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाना पड़े, इतनी शिक्षा होने के बाद भी क्या ये हम बंद नहीं कर सकते? क्या हम संकल्प नहीं कर सकते अपने परिवार में कि चौथी बेटी आएगी फिर भी उसकी प्रसूति होगी और ये बेटी का हम सम्मान करेंगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे? और इसी वजह राज्य सरकार बाल विवाह बंद हो इसीलिए सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। बेटियों को पढ़ने के लिए उसको सहारा मिले, ये यूपी ने शुरू किया सुमंगला योजना कि आप जन्म के साथ हम 2000 रुपया देंगे, पहली कक्षा में आएगी टीकाकरण होगा तो उसको 1000 रुपया देंगे। ये प्रावधान करते हैं क्योंकि हमें बेटियों को भी बचाना है, हमें बेटियों को संस्कारी बनाना है और बेटियों के कोख से जो बच्चे जन्मेंगे उसको अच्छा संस्कार देंगे, ये भारत को एक सशक्त देश बना सकती है। इसी आज आपको गोल्ड मेडल मिला है और किस तरह से लग रहा है और क्या प्रेरणादायी आज संबोधन रहा है? सर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे एमकॉम में हाईएस्ट मार्क्स के लिए मेडल मिला हुआ है। और सर जैसा आज का प्रोग्राम है सर, इससे बस यही मोटिवेशन मिलता है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलना है और एक डेफिनेट प्लान के साथ अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। जी सर, सर मेरा नाम जी जी आज जो है हमको बीएड की डिग्री के लिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए ये जो है मेडल मिला है और आज राज्यपाल के हाथों से ये बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ मैं। और इसके लिए जो है हमारे टीचर्स और हमारे हस्बैंड वगैरह मतलब हर लोग मतलब हमारे साथ ही हमारे फादर सब लोगों का मोटिवेशन रहा है। और इसके लिए जो है आज राज्यपाल ने हमसे मतलब यही है उनका वो कि हम अपने साथ साथ जो है अपनी आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी शिक्षा दें, उनको भी आगे बढ़ाएं।